अन्ना क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तिहाड़ जेल में हूं और आप देशवासी सब मेरे भाई बहन बूढ़े बच्चे और खास तौर मेरे युवक जो आशा स्थान है मेरा, वो आप जो ये क्रांति कर रहे हैं उससे मुझे यहां ऊर्जा मिल रही है और मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि 15 दिन की मुदत है ना, तो ये 15 दिन तो मुझे कुछ नहीं होगा और एक सप्ताह की मुदत मैं मांगूंगा सरकार से। जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक अभी मुझे कोई थकावट नहीं है, क्योंकि आपसे इतनी ऊर्जा मिली है मुझे, बहुत ऊर्जा मिली है मुझे, बहुत ऊर्जा मिली तो मैं कल आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। आज के रात इधर रहूंगा जेल में, तिहाड़ जेल में, और कल मैं आप सबको मिलने के लिए आ जाऊंगा। और जहां दिल्ली में लोग हैं, रामलीला मैदान में जो होगा मैं आपसे प्रत्यक्ष बात करूंगा। दिल्ली में घर घर में बैठे उनसे बात करूंगा, देश में जो आप क्रांति कर रहे हैं उनसे भी बात करूंगा। कल मैं सबके साथ बात करूंगा। मेरी हेल्थ अच्छी है, कोई फिक्र नहीं करना, उल्टा मुझे और भी बहुत जोश आ गया, मेरे जीवन में इतना जोश आ गया आपको ये सब देखकर। और मुझे तो लग रहा है कि अभी ये लोकपाल बिल बिगड़ बिना हम लोग नहीं रुकेंगे, जरूर अभी इसको हासिल करेंगे। अन्ना आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। आपका अनशन का तीसरा दिन है आज? जी हाँ, मैं अभी 16 तारीख से जो अनशन हुआ तो आज तीसरा दिन, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई थकावट नहीं। मैं ये महसूस कर रहा कि अभी भी मैं 5 किलोमीटर पैदल कर जा रहा और अगर मोर्चा में शामिल होना तो मैं मोर्चा में भी शामिल होगा। अन्ना इतने नौजवान आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको कैसा लगता है देख के? मेरा तो आशा स्थान है ये। मैं कई बार बोला कि अरे कि हमारे देश का युवक अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है समाज का और देश का। वो मेरा सपना पूरा होने जा रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। तो आज इतना युवक रोड पर आ गया, ये क्यों युवा जुड़ा आपके साथ अन्ना? ये युवा इसमें मुझे और एक बात बहुत अच्छी लग रही है, हमारे जो नवयुवक है ना, इसमें हमारी बहनें हैं, ये लड़के हैं, कंधे पर वो तिरंगा मैं देखता हूँ ना, और जो घोषणा उनके चल रहे हैं ना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ये मैं देख रहा हूँ तो मुझे वो ऊर्जा मिल रही है। अभी थकावट तो बिल्कुल समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है।